खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने बिलासपुर में आयोजित खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले खाद्य आपूर्ति निगम के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को नसीहत दी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की कारगुजारी धरातल पर नजर आनी चाहिए, न कि कागजी आंकड़ों पर। अधिकारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं। जिस भी कार्य का दायित्व सौंपा गया है उसे जिम्मेदारी से ईमानदारी और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाएं, ताकि आम आदमी को अच्छा राशन मिल सके और उनका स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहे और समाज के उस हर वर्ग को लाभ मिले जो अभी तक वंचित रहा है। उन्होंने इस अवसर पर लॉन्च की गई EPDS HP ऐप को विभागीय अधिकारियों द्वारा डाउनलोड किए जाने को लेकर भी जांच की और आदेश दिए। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और खाद्य आपूर्ति निगम के सभी अधिकारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना सुनिश्चित करें। प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाना सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा आरंभ की गई गृहिणी सुविधा योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उन महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे जिन्हें उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने DFSC को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर गैस वितरित करने वाली गाड़ियों में स्थायी रूप से लाउड स्पीकर लगाना सुनिश्चित करें, ताकि क्षेत्र के लोगों को पता चल सके कि गैस वितरण करने के लिए गाड़ी आई है। उन्होंने अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए कि हर पेट्रोल पंप पर नियमित रूप से निरीक्षण करें और ये सुनिश्चित करें कि वहाँ पर स्वच्छ पेयजल के लिए एक्वा गार्ड और शौचालय सुविधा है कि नहीं। एक बात सुनो, सस्ता राशन तो हम दे रहे हैं, ठीक है ना जी। आपको पता है PDS में जो लोगों को दाल और चीनी मिलती थी, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार 5-5 रुपये प्रति किलो हमने कम कर दिया रेट, ठीक है ना। कांग्रेस महंगाई को लेकर कई बार प्रदर्शन करती है, कई बार थाली और चमचे बजाती है, थाली के साथ चमचे। कांग्रेस के चमचों की थाली तो खाली होगी, कांग्रेसियों की थाली खाली होगी, पर गरीब की थाली राशन से इस सरकार ने, जयराम ठाकुर की सरकार ने भर दी। सरकार एकत्रित कर रही है, इसमें कुछ आरोप लगे हैं कि जैसे BPL परिवार है उनको कम किया जा रहा है, गरीबी को खत्म करने के लिए गरीबों को ही वो ये जानकारी आप सुन लेती है ऐसी कोई है। ठीक है, धन्यवाद। जो सप्लाई पहले कर दी उसकी, देखो अब तो सप्लाई तो उसका टेंडर निकला था, 11 वो आया था, उसको हो गया, आगे उसको एंटरटेन नहीं करेंगे ना, वो सप्लाई नहीं कर पाएगा हमारी कार। जो अमाउंट उसके अनुसार सब कुछ होगा, एक्शन लेंगे, फाइन करेंगे उसको, जो भी एक्शन होगा स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। एनस्टार न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्बाल की रिपोर्ट।